तू पता, मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी है 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है, गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं। एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो, टेक योर चांस बेबी, टेक योर चांस। इस मेस में कैसे रहते हो? मैं कहाँ रहता हूँ? यहाँ इंतजार रहता है। क्या सर, जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। जाने तेरे शहर का। उस दिन के बाद से डॉक्टर साहब और मैं जिस्म और रूह के जैसे हो गए थे। एक साथ पिटते थे, एक ही कोठरी में सोते थे और एक ही जंजीर में बांधे जाते थे। लगता है मौत भी हमें साथ ही मिलने वाली है। आप मरने वाले हैं डॉक्टर साहब, मैं नहीं मरने वाला। वो कैसे जनाब? ऐसे कि आप जिस्म है मैं रूह, आप फानी मैं लाफानी। उदार तुम शिया हो या सुन्नी? दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेलम भी मैं, चनार भी मैं, गैर हूं हरम भी हूं, शिया भी हूं सुन्नी भी हूं, मैं हूं पंडित, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। 62 एशियन गेम्स टीम के जिसने गोल्ड मेडल जीता था उसके कप्तान थे। फुटबॉल में ही नहीं, क्रिकेट में भी चुनी गोस्वामी जी ने बंगाल को फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट किया था। चुनी गोस्वामी जी के कैप्टनसी के अंडर इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1962 एशियन गेम्स में और एशियन कप 1964 में रनर्स अप हुए थे और बर्मा के अगेंस्ट बहुत ही छोटे अंतर से हारी थी भारतीय टीम मारडेका फुटबॉल टूर्नामेंट में 6 महीने बाद। क्लब फुटबॉल में चुनी गोस्वामी जी हमेशा मोहन बगान के लिए ही खेले। अपने कॉलेज के दिनों में वो कैलकटा यूनिवर्सिटी के कप्तान थे, फुटबॉल के भी कप्तान थे और क्रिकेट के भी कप्तान थे और वो भी एक ही साल में। 1957 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया और राष्ट्रीय टीम के सबसे बड़े सितारों में से एक थे चुनी गोस्वामी जी। सोच रहा था मनोरमा, सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं, वही दो हाथ दो पांव, आंखें कान चेहरा, सबके एक जैसे ही तो होते हैं, फिर क्यों कोई एक सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। मुझे अपने इश्क पे पूरा यकीन था, पर जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था। J90 Media Team pays homage to 3 of the finest gems of India. We mourn the sad and untimely demise of Bollywood icon, the late Mr. Rishi Kapoor, legendary actor, the late Mr. Irfan Khan, and legendary Indian international footballer and Olympian, the late Mr. Shubhimal Chuni Goswami. Their death is not just a loss for Indian cinema and football, but also a loss for humanity. The legends may not be with us physically, but they live on in our memories eternally through their artistic masterpieces. May their souls rest in peace.